জানি কাকু ইয়া কি কি আমো আম কই এ কাতে কি মাসলা শে রে তু কা কা হোসন হে কবি কা কবি কা হোসন হে কা মানে হালি সে জরুর বাবা কে সিকট বো মা তু খালি উমর বড় হবলদার আস তু তু নাইম সুবিদার সুবিদার ন বোসন হে এস কা রে নি নে এসে চল ইন্সপেক্টর থানাদার দি वादा है शेर गवर्नमेंट मासूम क्या फॉर अ फॉरी 312 मां क्या बात की प्रमोशन नो बॉय लेकिन जरूर बॉय आवा के ओब्रिस मवाए फॉर सितारम हवाला अच्छा हस सितार शेर वाकी खुर क्या फिक ना ना वा खुर क्या तो प्रपोरी 1 2 3 तो क्या फायदा दी होया ताते नो बस टाइम पास होया खाली वाह वाह वी वाह बहुत जत फायदा होय मा क्या फायदा होय राव की अब ता मशकूर तो है सवाल मा सारा रो मते बाद है औकात हाच रेनियन क्या के हुसैन जानी तन हया गोरदोख नुमा शकलो गा दी एनडीए पाई बिरो पैसा कमाई कर सिर रे नाऊजु बिल्ला हमुनि रोयन हार्दियो की कमाई करी सुन पैसा मा क्या हते जरूरत है बोशन बरबूर डालिए जी चले जी तू आप परफॉर्म करे या कोया उशक बीतीस मिया नो बीतीस मिया लेकिन मत हार सरवन की फ्री जो कुलफ्यू लेकर ओन दी बहरहाल स्टेज इंटरनेशनल स्टेज है गिलगित बल्तिस्तान और मख्याल तारीख हो पहला स्टेज अब ससा ल्याश पशार को मान ल्याश खुआ रखे आ रे माँ कि रेस्तम दिशा हरदी परीर लोट सोरियान अन हरदी नो परीर शिन्या रे माँ वाहे तन हरदी नो परीर मत बर्दाश्त करूँ अब उर्दू अलू तो मारे तांसोरा कोनन काम रोद रे में अब मलयाल दी आस्ता में स्टेज सख मलयाल बीती दे दे हाश बीती हारा तोरी सुन कमरो कोरमा फस आस्ता में कौमी कोरमा कौमी एक जहती हो कोरमा अवधि क्या फिस पास मोश नो सत्य पता कोरम है ओय की इस पा है देहा इन निकाह हो रहा सुमोश ओय असे निकाह हो रहा सुमा सॉरी अब उर्दू है कोम है आवाज आई उर्दू है कोर रहे मैं इसलिए स्टेज पे लेट आया मौजिज सामिर और नाजरीन क्योंकि हमारे इस गांव में एक हमारे इस गांव में ना समझे बल्कि गिलगित बल्तिस्तान सतह पे एक निकाह का रस्म हो रहा था जिस पे मुझे नंबरदार आला की हैसियत से मधु किया गया था। निकाह कुछ अजीब सा था जो कि यहाँ यहाँ हमारे गांव में हो रहा था। अजीब सा एक निकाह था। निकाह कुछ इस तरह था के 4G अरमान खान और मैडम बिजली की आपस में निकाह हो रहे थे। तो मैं वहां गया उनके निकाह में हक महर का ये वादा हुआ 3 दिन फेस्टिवल खलती इस दौरान ये में न 4G जाएगी न मैडम बिजली जाएगी ये वादा तय हुआ लेकिन उनकी मोहब्बत की दास्तान सुना के मुझे तो आका बका होना पड़ा। बस उनकी मैं अल्लाह से दुआ किया ए अल्लाह 4G अरमान खान और मैडम बिजली की तरह मैं और मेरी वाइफ की भी मोहब्बत हो ना। उनकी मोहब्बत की दास्तान कुछ यूं था कि जब मैडम बिजली चली जाती है तो 4G अरमान खान भी चला जाता है। तो मैंने पूछा ये क्या माजरा है। मैंने 4G अरमान खान से पूछा कि भाई आप क्यों जा रहे हो। ऊपर देख के खंबे के नीचे जाके मैंने पूछा भाई ये क्या माजरा है, मैडम बिजली चली जाती है तो आप भी चले जाते हो। और फिर नीचे मैंने इस काम वालों का वो जनरेटर दिखाया ऊपर करके 4G अरमान खान को, यार वो मैडम चली जाती है तो ये किस मानस के लिए है। उसने कहा भाई मैं आपको गधों का नंबरदार समझता हूँ। कहा 4G ने मुझे। मैंने कहा क्यों। कहा जनरेटर तो है सरकार इसमें तेल डाले तो मैडम बिजली पैदा होगी ना। मैं चला गया मैडम बिजली के पास। मैडम ये
फौज अरमान खान जब चला जाता है तो आप क्यों चली जाती हो? उसने कहा, मैडम ने कहा मुझे कि मैं दुनिया से नहीं चली जाती हूँ। हाँ जरूर चली जाती हूँ आप लोगों के गरीबों के घरों से, लेकिन मैं जब जाती हूँ तो सीधा स्पेशल लाइन के थ्रू अफसर शाही के घर जाती हूँ। उन अफसर शाही के अरमानों को पूरा करने के बाद मैं निकलती हूँ, दूसरे अफसर शाही के घर दाखिल होती, वहां से भी जब निकलती हूँ मोहतरम मुकरम काबिल इज्जत सत एहतराम लाइनमैन के घर मेरा दाखिला होता है। दोबारा ये निकाह इसी तरह खत्म हुआ तो एक चीज मेरे जहन में आया और फिर फोर जी अरमान खान ने मुझसे पूछा कि आप पर साल खत मेगा इवेंट में आपने अपने नुमाइंदों से रिक्वेस्ट तो किया था, इतना बड़ा इवेंट हो रहा है यहाँ फोर जी नहीं आ रहा, तो उसका क्या बना? तो मैंने कहा जैसे बुखार की बीमारी चिकन पॉक्स की बीमारी आम है, इस तरह नुमाइंदों में भूलने की बीमारी आम है। खैर वो भूल गए, फिर याद कब आता है? जब प्यारा खत सजता है तो सबको याद आता है इवेंट है, चलो 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 यार, अगर ये इतना कीमती सरजमीन है तो यहाँ के वासी भी तो सर कीमती है, दे दो यार फोर जी अल्लाह के लिए, इंसानों के लिए नहीं। खेल हो रहा है यहाँ, बड़ा मजा आया, इस तरह जोंग होकर मैंने देखा तो बड़ा मजा आया। खेल से मुझे याद आया, पठान दोस्त यहाँ मौजूद होंगे, बहुत काबिल इज्जत है पठान, हाथ जवाब हाथ दिमाग लोग होते हैं। चार पठान जुनाजे को ऊपर उठा के जा रहे थे रास्ते से, तो रास्ते में और कब्रिस्तान आ गए, उनके ऊपर से वो जा रहे थे तो मुझे बेवकूफ ने उनसे पूछा, भाई आपके आंखें नहीं है? वो तो ऊपर माइक लेके जा रहे हैं पठान, उसने पूछा कि यार आंखें नहीं है, नीचे कब्रिस्तान पे आप पांव रख के जा रहे हो? पठान कहते हैं यार तो ऊपर हमने कौन सा वर्ल्ड कप उठा के जा रहे हैं, ये भी कब्रिस्तान है। तो बहरहाल इवेंट जारी रहेगा, मैं आता रहूंगा ऊपर, आपको हंसाता रहूंगा, ये स्टार्टिंग थे। और अब थैंक यू सर। तो उसके बाद जब मैं स्टेज पे आ रहा था तो दोस्तों ने कहा कि आपने इस फेस्टिवल के लिए जो बेहतरीन खाका लिखा है वो आप पेश करके नीचे आएंगे, तो मैंने कहा कि जरूर पेश करके आऊंगा, और मैंने यहाँ पर्ची पे लिख कर आया हूँ, लेकिन मजा नहीं आ रहा है। फिर वही बात है, ऐसा लगता है जैसे इस इवेंट के बाद आपको उधर कहीं जेल में डाला जाता है। फनकार नाचते हैं तो ताली नहीं है, कोई गाता है तो ताली नहीं है, ये ड्रामा मैं पेश करूंगा। अगर आपकी तालियां और चीखे ये पहाड़ भी सुने तब, वरना मैं जया नहीं करूंगा। मैं देखता हूँ कितनी तालियां है आपकी, अल्लाह के कसम कोई मजा नहीं आया, ये इतना कीमती ड्रामा मैं पेश करूंगा। और तालियां, बहुत बहुत शुक्रिया। हुसैन यानी साहब, हुसैन यानी साहब, इजाजत है कुछ कहूँ? एक दिन हुसैन यानी साहब की घर वाली अपने मैके चली गई, यानी माँ बाप के घर चली गई, तो घर से रोजाना फोन करती थी, पूरा आंसू, तो कहते अधूरा आंसू अधूरा बीना, तो कहते अच्छा आप घर में हैं, घर में मौजूद है, तो चलो मुझे एतबार नहीं आ रहा, आप जूसर मशीन ऑन करके दिखाएं। तो हुसैन यानी साहब चले जाते जूसर मशीन के पास और जूसर मशीन को टर्र ऑन कर देते, और घर वाली के लिए अच्छा अच्छा आप मुझे यकीन हो गया आप घर पे ही मौजूद हैं तो वो ठीक है। तो इसी तरीके से ये सिलसिला एक हफ्ते तक चलता रहा। हफ्ते के बाद जब इनकी घर वाली घर पर तशरीफ लाती है तो मियां गायब हैं, दरवाजे का ताला लगा है। तो खातून ने किसी हमसाई खातून से पूछा, अजी मेरे मियां को आपने देखा कहाँ है? तो वो खातून कहती कि सुबह निकल जाते हैं जूसर मशीन हाथ में उठा के और शाम को वापस लौटते हैं। बिल्कुल शहबाज सर ने बिल्कुल करेक्ट बात की, सही बात है। बात पे मुझे एक बात याद आया अपनी बीवी के बारे में ना, यार यकीन करो ना, रात को जब मैं सोता था तो ख्वाब में ना ख्वाब में गधे गधे फुटबॉल खेलते हुए, हर ख्वाब में, फिर सोता हूँ तो वही गधे फुटबॉल खेलते हैं, अगले दिन सोता हूँ फिर वही गधे फुटबॉल खेलते हैं, बीवी जगाती क्या हुआ? मैं तालियां बजाता हूँ, फुटबॉल सही खेलते गधे।
तो हुआ यूं कि आखिर मुझे डिप्रेशन होना पड़ा, तो मुझे डॉक्टर के पास ले गए। हर ख्वाब में गधे फुटबॉल खेलते हैं मेरे। डॉक्टर को मैंने कहा सर मुझे ये तकलीफ है, तो डॉक्टर ने पर्ची लिख के दिया आप ये टेबलेट यूज करें तो ये खत्म हो जाएगा। ठीक है सर, मैंने पर्ची लिया, दरवाजे पे जाके वापस डॉक्टर को रिक्वेस्ट किया सर ये दवाई आज ना खाऊं। उन्होंने कहा क्यों आपको तकलीफ, आप खाए सर आज गजन का फाइनल मैच है। बहुत खूब बहुत बधाई हुसैन जानी के लिए।